के भारत न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की टॉप 20 खबरों की ओर। राज्यसभा के सस्पेंड सांसदों का धरना जारी। दिग्विजय सिंह बोले, सभापति के हिटलरी व्यवहार के खिलाफ है प्रदर्शन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। बिहार चुनावों में सपा करेगी आरजेडी उम्मीदवारों का समर्थन। भिवंडी हादसा अपडेट, अब तक 20 लोग मलबे से निकाले गए जिंदा, बचाव कार्य जारी। भिवंडी हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 17। पालघर के पास रात 2:50 पर लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 3.5। पायल घोष के वकील ने कहा, दोपहर में दर्ज कराएंगे शिकायत, NCW में भी करेंगे कंप्लेन। नहीं दर्ज हो सकी है अनुराग कश्यप के खिलाफ पायल घोष की शिकायत, घर लौटी एक्ट्रेस। क्वान कंपनी के CEO ध्रुव को NCB ने भेजा समन, आज होगी पूछताछ। राज्यसभा में आज उपस्थित रहने के लिए BJP ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। महामारी संशोधन बिल 2020 लोकसभा में हुआ पास। IPL के एक मुकाबले में बेंगलुरु ने हैदराबाद 10 रनों से मात दी। 2008 बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी शुएब अहमद को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5000 पार, अब तक 5014 लोगों ने अपनी जान गंवाई कोरोना से। रिया को 6 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। ड्रग्स रैकेट में दीपिका समेत बड़े सितारों का नाम। रवीना बोली, सफाई का समय आ गया। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा का बहिष्कार कर सकती है कांग्रेस। SBI देगा घर के बुजुर्गों को ज्यादा मुनाफा, 30 सितंबर तक के लिए मौका। दुबई के क्रियो ग्रुप के पूर्व CEO ने पुशअप लगाकर मांगी नौकरी, कहा अब भी हूं फिट। रूस को अपनी वैक्सीन पर नहीं है भरोसा, लोगों को नहीं दे रहा है टीका। अधिक खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।